स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स का क्या मतलब होता है, कहाँ काम आती हैं, अब उसकी बात करते हैं। अभी तक हमने लिमिट्स एवेल्यूएट करना सीखा है सिर्फ। लिमिट्स में मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैंने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसका मतलब क्या होता था, x इज़ वेरी क्लोज टू 3 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 3। जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक इंट्रो में बताया था x अप्रोचेस टू 3 का मतलब होता है वेरी क्लोज टू 3। अप्रोच आप कहीं से भी कर सकते हो, आप 3 से थोड़ा सा पहले भी हो सकते हो, 3 से थोड़ा बाद में भी हो सकते हो। 3 से अगर आप थोड़ा सा पहले हो तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर 3 से थोड़ा सा बाद में हो तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ये मैंने आपको तब इंट्रो दिया था, आज उसकी डिटेल में बात करेंगे कि निकालते कैसे। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, लेट सपोज आपको बोला ये x इक्वल टू 3 पे बात की, मैंने लिखा x अप्रोचेस टू 3, x एरो 3 का मतलब क्या होता है, x अप्रोचेस टू 3, x अप्रोचेस टू 3 का मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 3 बट इट इज नॉट इक्वल टू 3। अगर ये स्लाइटली कम है 3 से तो उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड। स्लाइटली मोर है तो क्या बोलेंगे, राइट हैंड। अब स्लाइटली का मतलब एक्सट्रीम क्लोज, एक्सट्रीम क्लोज से मेरा मतलब है जैसे सपोज मैंने बोला 2.999999, इट इज वेरी क्लोज टू 3 बट इट इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैंने बोला 3.00000001, तो अगेन इट इज वेरी क्लोज टू 3 बट नॉट इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड का मतलब आप स्लाइटली पीछे हो, राइट हैंड का मतलब आप स्लाइटली आगे चले गए। क्या ये बात समझ में आती है, लिखते कहते हैं इसको, इसको वर्ड में, x इज स्लाइटली लेस देन 3 तो लिमिट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, स्लाइटली मोर देन 3 तो लिमिट को बोलते हैं राइट हैंड। वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस। नाम याद करो, मैंने बोला 3 से थोड़ा पीछे हूं, थोड़ा पीछे मतलब उससे थोड़ा माइनस। So, अगर a पे लिमिट है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस। इसको इवेल्यूएट कैसे करते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो भी समझा रहा हूं। a माइनस, अगर राइट हैंड है तो मैं थोड़ा सा आगे हूं तो आई विल राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस। a प्लस मतलब मैं a से थोड़ा सा स्लाइटली अहेड हूं, आगे हूं। क्या ये बात समझ में आती है। अभी ये मैं दोनों टाइप की लिमिट्स आपको निकालना सिखाऊंगा। दो रूल्स हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट, और वही वैल्यू है लिमिट की। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट बराबर ना हो तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी। मतलब मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए देन लिमिट एग्जिस्ट्स एट एक्स इक्वल टू ए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैथमेटिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स अगर बराबर हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स के तो ये हो जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। ए की बात है, अगर लेफ्ट राइट बराबर हो तो वही लिमिट की वैल्यू होती है। और अगर ये पहला पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर। मतलब मैथमेटिकली लिखें, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स के देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
क्या ये लॉजिकली पहले समझ में आया, अब ये निकालते कैसे वो भी समझा रहा हूं। इतनी बात समझ में आई? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है कि आप जिस पॉइंट पे हो, आप उससे जिस पॉइंट पे लिमिट है उससे थोड़ा सा पहले हो आप। राइट हैंड लिमिट का मतलब है जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हो आप उससे थोड़ा आगे हो। पीछे हो तो लेफ्ट, आगे हो तो राइट। पीछे वाले को लिखने का क्या तरीका होता है? माइनस लगाते हैं। आगे वाले को लिखने का क्या तरीका होता है? प्लस लगाते हैं। अगर दोनों लिमिट्स इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो अलग बात है, अभी करेंगे। अगर दोनों लिमिट्स बराबर हैं तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स और वही लिमिट है, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, पहले यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। अब इवैल्यूएट करना सिखाता हूं। नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिए, इसको अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। ध्यान देंगे सब लोग, आपको बोला एफ एक्स आपको दिया है 3x माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x प्लस 1 x लेस देन 2। यहां पे आप देखो 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अगर मैं अप्रोच टू 2 बोलूंगा, अगर मैं x अप्रोचेस टू 2 बोलूंगा, सो 2 से पहले से भी अप्रोच कर सकता हूं, आगे से भी अप्रोच करूंगा, दोनों अलग अप्रोच अलग होंगी ना। अगर 2 से पहले से अप्रोच करता हूं तो फंक्शन कुछ और है, और 2 के बाद से अप्रोच करता हूं तो फंक्शन कुछ और है, क्योंकि ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन कुछ और है और लेस देन 2 पे फंक्शन कुछ और है, हां कि ना। तो यहां पे आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते कब कब है? अगर फंक्शन जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, मैंने 2 पे फंक्शन निकाल, 2 पे लिमिट निकालनी है, 2 से कम पे कुछ और फंक्शन है, 2 से ज्यादा पे कुछ और फंक्शन है, क्योंकि कम और ज्यादा पे फंक्शन डिफरेंट है, तो आप जब लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो फंक्शन कुछ और होगा, राइट से अप्रोच करोगे तो फंक्शन कुछ और होगा, आपको दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे निकालना है मेरे को x इक्वल टू 2 पे, ध्यान देना, मेरे को पहले x इक्वल टू 2 पे निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। x इक्वल टू 2 पे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालते कैसे वो भी साथ साथ सिखाऊंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यही तरीका बताया मैंने लिखने का। लेफ्ट हैंड का मतलब हो गया 2 से कम, तो 2 माइनस, 2 से कम में फंक्शन कौन सा है? 2x प्लस 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्लीज बोलो। नो प्रॉब्लम, आर यू श्योर अबाउट इट एवरीवन? नाउ ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2x प्लस 1। इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इसको इवैल्यूएट करने के लिए लेट x इक्वल टू 2 माइनस h, 2 से कम में हो तो 2 माइनस। अब नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो, इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0, ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह डालो 2 माइनस h प्लस 1, h को 0 डालो, आंसर आ गया 5। ये गई क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर आपको निकालना है, राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है, आप लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 से ज्यादा, 2 से आप जब आगे होगे, 2 से आप जब आगे होगे तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? 3x माइनस 1, यस और नो? 2 प्लस, 2 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 3x माइनस 1। सॉल्व कैसे करोगे? लेट x इक्वल टू 2 प्लस h, इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। तो तरीका क्या हुआ? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, 2 माइनस आपने लिखा है तो क्या लोगे? x को 2 माइनस h, और अगर 2 प्लस लिखा है तो क्या लोगे? x को 2 प्लस h। आगे सेम प्रोसेस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को डालो 2 प्लस h माइनस 1, h को 0 डालो, 6 माइनस 1 5 आ गया। दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो आप ऐसे लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx, आंसर कितना आएगा? 5। लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर कितना हुआ? 5। गॉट इट? समझ में आई बात? यहां तक क्लियर? हाँ जी, दोबारा तेज बोल, वॉल्यूम तेज कर बेटे। लेस देन, वो उसके फर्क नहीं पड़ता,
आप स्लाइटली कम हुई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आती है ना, इक्वल टू टू पे तो लिमिट लेते ही नहीं है, याद है ना, अप्रोचेस बोला, ठीक। नेक्स्ट, इसी में अगर मैं सेकेंड पार्ट करूँ, हाँ बेटा बोलो, डायरेक्टली टू नहीं डाल सकते ऐसे दोनों में, आपको एल एच एल आर एच एल आने दें, सेम ये वाले क्वेश्चन में आ रहा है, ये मैंने एक वो बनाया है इसमें आ रहा है, जरूरी नहीं है। अब जैसे आप लिमिट्स निकालते हो तो उसमें भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, एक डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाला होता है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाले में डायरेक्ट में निकल जाता है, पर कई होते हैं जिसमें फैक्टराइज करके आपको पहले कॉमन फैक्टर काटने पड़ते हैं, तो आपको लिमिट एवेल्युएट करनी पड़ती है ना उसमें, ठीक है। हाँ जी बोलो बेटा, एक्स को टू डाल कट जाएगा, एच कितना आएगा, जीरो, जैसे पहले कर रहे हो लिमिट्स बिल्कुल सेम है। अब एक्स इक्वल टू फाइव है, ये ध्यान देना, अप्रोचेस टू फाइव है। अब फाइव वाले में आपको एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फाइव पे फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, फाइव से थोड़ा कम होगा तब भी यही फंक्शन होगा, फाइव से थोड़ा सा ज्यादा होगा तब भी यही, थोड़ा का मतलब ये नहीं होता कि बहुत पीछे चले जाओ, फाइव से थोड़ा कम मतलब 4.99999 पे हुआ तब भी फंक्शन तो यही रहेगा ना, फाइव से थोड़ा आगे चले गए तब भी फंक्शन यही रहेगा, तो इसमें एल एच एल आर एच एल की जरूरत नहीं है। एल एच एल आर एच एल की जरूरत कहां होती है, जब आपका फंक्शन में क्या हो रहा हो, चेंज ओवर हो रहा हो, अगर चेंज ओवर नहीं हो रहा तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी है। मतलब जैसे इसमें मुझे एक्स इक्वल टू फाइव पे चाहिए, एक्स इक्वल टू फाइव पे मैं डायरेक्टली निकालूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव एफ एक्स, इसमें नो एल एच एल नो आर एच एल इज रिक्वायर्ड, आई विल राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3x-1, सीधा लिमिट डाल दो क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, आंसर आ गया 14। समझ में आई बात। तीसरा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स निकालना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ जीरो पे एल एच एल आर एच एल निकालना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि जीरो पे फंक्शन का चेंज ओवर थोड़ी ना हो रहा है, फंक्शन का चेंज ओवर सिर्फ टू पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, जीरो पे फंक्शन कौन सा है बेटा, जीरो से कम ज्यादा पे ये फंक्शन है, स्लाइटली कम स्लाइटली मोर, जीरो पे फंक्शन कौन सा है 2x+1, सो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2x+1, लिमिट डाल दो, आंसर कितना आया 1। समझ में आई बात। सो क्या क्या पॉइंटर है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी कब है, वो तब निकालनी है जब कम और ज्यादा पे फंक्शन चेंज हो रहा हो, दूसरी बात कब नहीं निकालना, जब फंक्शन में चेंज ओवर नहीं हो रहा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे यहां तक, एक आध और देखो इसका, आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन वन। अब आप मुझे बताओ, ये कंप्लीट आप करोगे, अटेम्प्ट आप करोगे पिछला लिखने के बाद, मुझे आप पहले बताओ, वन पे एल एच एल आर एच एल निकालनी पड़ेगी, जीरो पे निकालनी पड़ेगी, टू पे निकालनी पड़ेगी, टू पे कहाँ निकालनी पड़ेगी बेटा, वन पे चेंज ओवर हो रहा है ना फंक्शन, टू पे थोड़ी ना चेंज हो रहा है, हाँ जहां पे फंक्शन चेंज ओवर होगा वहां पे आपको एल एच एल आर एच एल निकालना है, जहां फंक्शन में चेंज ओवर नहीं होगा वहां एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, पिछला लिखो और इसको अटेम्प्ट करो प्लीज, दो चार पांच मिनट है आपके पास, चेक कीजिए, स्टेप्स चेक कीजिए। एक्स इक्वल टू जीरो पे करते हैं पहले, एक्स इक्वल टू जीरो पे करोगे तो वहां पे एल एच एल आर एच एल इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज जीरो पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है वन पे, तो वन पे आपको एल एच एल और आर एच एल चाहिए, जीरो पे नहीं चाहिए, तो आप जीरो पे डायरेक्टली निकालो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू जीरो पे क्या है एक्स माइनस वन, लिमिट डाल दो, आंसर आ गया सीधा माइनस वन। पहला क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जीरो पे तो चेंज ओवर हो नहीं रहा। दूसरा आ जाते हैं, लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन करते हैं, वन पे एल एच एल आर एच एल दोनों चाहिए, जब वन पे निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, वन से कम में फंक्शन कौन सा है, वन से कम में फंक्शन है एक्स माइनस वन,
x माइनस वन। कैसे सॉल्व करते हैं? लेट x इक्वल टू वन माइनस एच। इफ x अप्रोचेस टू वन, h अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस एच माइनस वन, वन से वन कट गया, h को जीरो डालो, आंसर आ गया जीरो। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू वन प्लस, वन प्लस, वन से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है बताओ? वन से ज्यादा पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेट x इक्वल टू वन प्लस एच, इफ x अप्रोचेस टू वन, h अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन, एच को जीरो डालो, आंसर आ गया टू। अब ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप बोलोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स does not exist। समझ में आई बात? क्लियर? और देखो तीसरा पार्ट बोला है लिमिट x अप्रोचेस टू टू, इसमें भी LHL RHL की जरूरत नहीं है क्योंकि टू पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो एट x इक्वल टू टू चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू टू एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू टू एफ एक्स कितना होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू टू ग्रेटर देन वन है, फंक्शन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू डालो सीधा डल जाएगा, फोर प्लस वन, आंसर आ गया फाइव। सो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर किसके बराबर आया? फाइव के। क्या ये क्लियर है एकदम स्प्राइट की तरह? चले आगे और देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस इसमें बहुत बनते हैं। पहले एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करते थे। मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए मॉड एक्स अगर आपके पास लिखा है तो आप इसको लिखते हैं प्लस एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस एक्स अगर एक्स किसके बराबर हो? लेस देन जीरो। याद है बात? मॉड एक्स क्या होता है? प्लस एक्स अगर एक्स पॉजिटिव, माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव। अगर आपके पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसा कोई भी हो तो सबसे पहले क्या करते हो? ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हो। इसको रफ में जीरो सोचते हैं, इसको रफ में जीरो सोचो, ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ गया? वन। So, ये बन गया x greater than equal to 1 और x less than 1 पे ब्रेक होगा। greater than equal to 1 कुछ भी नंबर सोच लो, लेट से 5 सोचता हूं, बिना मॉड के पुट करो, पॉजिटिव आता है, तो ये हो गया प्लस ऑफ x माइनस 1। लेस देन 1 कुछ भी नंबर सोचो जो तुम्हें अच्छा लगे, 0 सोच लो, बिना मॉड के पुट करो, नेगेटिव आता है, तो ये हुआ नेगेटिव ऑफ x माइनस 1। याद आया बेटा? रिलेशन फंक्शन में खेला था ऐसे। इधर आ जाओ, x प्लस थ्री, ये कहाँ ब्रेक होगा? माइनस थ्री पे। x प्लस थ्री को जीरो सोचो, x किसके बराबर आया? माइनस थ्री। तो ये कहाँ ब्रेक हो रहा है? माइनस थ्री पे। तो ये कैसे होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री और x लेस देन माइनस थ्री। ग्रेटर देन माइनस थ्री कोई भी नंबर सोच लो, लेट से जीरो सोच लेते हैं, बिना मॉड के पुट करो, आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये हुआ प्लस ऑफ x प्लस थ्री। अगर मैं माइनस थ्री से छोटा कोई भी नंबर सोचता हूँ, माइनस फाइव सोच लेता हूँ, बिना मॉड के पुट करता हूँ, क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री। क्या ये समझ में आता है? मल्टीपल मॉड्स इकट्ठे हों तो कैसे ब्रेकिंग होती है? मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे। जैसे हम आपको बोला मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर, इसके दो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, कौन कौन से? माइनस टू एंड माइनस फोर। तो आप इसको रफ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, माइनस टू माइनस फोर, ऊपर लिखो प्लस इन्फिनिटी, नीचे लिखो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ऊपर लिखो माइनस इन्फिनिटी, नीचे लिखो प्लस इन्फिनिटी। एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल्स में ब्रेक होगा। तो ये फंक्शन कहां कहां ब्रेक होगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ओ सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, पहले माइनस फोर फिर माइनस टू, ऊपर हुआ माइनस इन्फिनिटी, नीचे हुआ प्लस इन्फिनिटी। एक दो तीन इंटरवल्स, एक हुआ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर, दूसरा हुआ माइनस फोर से माइनस टू, तीसरा हुआ माइनस टू से लेकर प्लस इन्फिनिटी।
एक्स इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल टू नहीं लगेगा, माइनस फोर में लगा दो किसी भी एक में, माइनस टू पे लगा दो किसी भी एक में, इन्फिनिटी पे कभी नहीं लगेगा इक्वल टू। अब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर कुछ भी नंबर सोच लो, माइनस फाइव सोच लो, पहले वाले में पुट करते हो नेगेटिव आता है बिना मॉड के, दूसरे में पुट करता हूँ नेगेटिव आता है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस टू, नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस फोर, सॉल्व करके क्या हुआ, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। माइनस फोर से माइनस टू के बीच में कुछ भी सोचो, माइनस थ्री सोचो, फर्स्ट में पुट करो क्या आएगा नेगेटिव, दूसरे में पुट करो क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये हुआ नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस टू पॉजिटिव ऑफ एक्स प्लस फोर, सॉल्व करके कितना आया टू। माइनस टू से इन्फिनिटी कुछ भी सोचो, जीरो सोचो, फर्स्ट में पुट करो पॉजिटिव, सेकंड में पुट करो पॉजिटिव, दोनों हो गए पॉजिटिव, एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर, सॉल्व करके कितना आया टू एक्स प्लस सिक्स। क्या यहाँ तक समझ में आता है, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ फंक्शन ब्रेक करना, क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन के लिए। सपोज आपको बोला इवेल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक फंक्शन है, आपके पास फंक्शन क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये ब्रेक होता है, कहाँ ब्रेक होता है वन पे ब्रेक होता है, वन पे ब्रेक होगा एक्स माइनस वन है ना, इसको जीरो सोचो, एक्स कहाँ क्या किसके बराबर आया वन के, तो वन पे ब्रेक हुआ, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स लेस देन वन, ग्रेटर देन वन कोई भी नंबर सोच लो, थ्री फोर फाइव, बिना मॉड के पुट करो पॉजिटिव आता है, लेस देन वन सोचो नेगेटिव आता है, ये फंक्शन समझ में आता है यहाँ तक। अब लिमिट इवेल्यूएट करो, क्योंकि अब नॉर्मल क्वेश्चन सोचो इसको, नॉर्मल क्वेश्चन अगर ये मॉड ना दिया होता ये क्वेश्चन होता, वन पे एलएचएल आरएचएल निकलता ना, तो वन पे एलएचएल आरएचएल निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, वन माइनस पे फंक्शन कौन सा है, ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, वन से कम में फंक्शन कौन सा है वन माइनस एक्स, लेट x is equal to 1 minus h, if x approaches to 1, h approaches to 0, ये हुआ limit h approaches to 0, 1 minus 1 plus h, 1 से 1 कट गया, h की जगह 0 डालो, आंसर आया 0, ठीक है, इसी तरह से right hand limit निकालो, right hand limit हुआ limit x approaches to 1 plus, 1 से ज़्यादा पे function कौन सा दिख रहा है आपको, x minus 1, फिर लेट x इक्वल टू वन प्लस एच, इफ x अप्रोचेस टू वन h अप्रोचेस टू जीरो, ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एच माइनस वन, वन से वन कट गया h की जगह जीरो डालो, आंसर आया जीरो, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या हुआ लिमिट एग्जिस्ट करती है, देयर फोर लिमिट x अप्रोचेस टू वन एफ एक्स, इसका आंसर कितना आया जीरो। समझ में आई बात, समझ में आई बेटा बात, ऑनलाइन सबको क्लियर है, ऐसा आप करोगे एक ये आप कीजिए, मॉड एक्स को ब्रेक करना है, हाँ ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का निकालना है, एक दो करिए, ये करिए और एक इसको करिए, ये दो पहले ये वाला अटेम्प्ट कीजिए फिर अगला। हाँ जी, नहीं बहुत आसान है, मैं फंक्शन ब्रेक कर देता हूं आगे करेगा, बहुत आसान है, मॉड दिख रहा है, मॉड कैसे ब्रेक होता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स वही करना है, कुछ करना थोड़ी ना, कहां ब्रेक होता है जीरो पे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बेसिकली, ये फंक्शन हो जाएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स है, क्या हो जाएगा ये मॉड एक्स को लिखेगा प्लस एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नीचे वाला एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो, खत्म। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या बचा, प्लस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो, क्या था मुश्किल था नहीं। अब नॉर्मली लिमिट निकाल इसमें जीरो पे, जीरो पे एलएचएल आरएचएल दोनों निकलेंगी इसमें, अब मैं पूरा कर ही देता हूं इसी बहाने, अब इतना सारा तो हो ही गया, बचा क्या उसमें, अगला तुम करना। ये बात समझ में आई ना मैंने ब्रेक कैसे किया। अब एलएचएल आरएचएल निकालना हो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको निकालनी होगी तो क्या करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जीरो से कम अगर फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जीरो से कम अगर फंक्शन है, जीरो से कम अगर फंक्शन है तो कौन सा है माइनस वन, कुछ नहीं करना आंसर माइनस वन, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं, कुछ चेंज ओवर करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट कितना हुआ, हाँ जी बेटा बोलिए, सर बट सिग्नम फंक्शन तो जीरो पे इक्वल्स टू जीरो होता है ना,
ये सिग्नम नहीं है बेटा, पूरा सिग्नम नहीं है, सिग्नम का सिर्फ एक पार्ट है। सिग्नम में ये होता है, ये होता है और फिर उस पर होता है। सो प्लस वन, अभी रुक जा, अभी बता रहा हूँ, दो मिनट रुक जा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ये प्लस वन, तो ये भी आंसर कितना आया, प्लस वन। सो ये क्या होगा, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ, अब बोलो आप क्या कह रहे थे। ये सिग्नम फंक्शन है बेटा, खुद सोच जरा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ये सिग्नम नहीं है क्योंकि यहां मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिखा होता तब ये सिग्नम फंक्शन होता। हाँ ठीक है, समझ में आया बेटा। हाँ प्लीज यहां तक लिख लीजिए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, प्लीज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, सब लोग चेक कीजिए बेटा। आप मॉडेक्स ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान दो बेटा, एक मिनट ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है पर इंटरेस्टिंग है। मॉडेक्स है, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता ज़्यादा या कम। तो ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक कैसे होगा, ये फंक्शन ऐसे ब्रेक होगा, इसको लिखेंगे 3x अपॉन x प्लस 2x फॉर x ग्रेटर देन 0, 3x अपॉन माइनस x प्लस 2x फॉर x लेस देन 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। बात समझ में आई। मॉड x को लिखा प्लस x अगर x पॉजिटिव है, माइनस x लिखा अगर x नेगेटिव है। तो ये फंक्शन सॉल्व करके कितना आया, 3x अपॉन 3x, 3 फॉर x ग्रेटर देन 0, 3x अपॉन 3x, तो ये हुआ 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 और 3x अपॉन x यानी 3 फॉर x लेस देन 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है, यहाँ तक समझ में आती है। अब लिमिट निकाल लो बेटा, लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 पे निकालेंगे, 0 से कम में फंक्शन कौन सा है, 0 से कम में फंक्शन है 3, तो आंसर क्या आया 3, लिमिट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 से ज़्यादा पे फंक्शन कौन सा है, 0 से ज़्यादा पे फंक्शन है 1, तो आंसर कितना हुआ 1। सो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया बात सबको, जी बेटा। बेटे लेस देन 0 है तो ये नीचे कितना हुआ बच्चे, x हुआ, x x कट के क्या बचा, ठीक है सबको क्लियर बेटा, ऑनलाइन सबको क्लियर। एक इसको देखिए, ये दो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, हैं दो चार मिनट आपके पास, अटेम्प्ट कीजिए दोनों, ये दोनों अटेम्प्ट कीजिए, चेक कीजिए दोनों। आपको बोला पहला एफ एक्स आपको दिया है मॉड एक्स प्लस 3 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 2, 2x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 2। अब एक बात ध्यान से सुनो, मॉड x कहाँ ब्रेक होता है, ये होता है प्लस x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x फॉर x लेस देन 0। यहां पे अगर आप ध्यान दो, लेस देन 2 बोला, लेस देन 2 पे मॉड x है, लेस देन 2 पे बोला, लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, 0 से तो बड़ा है, जीरो से तो बड़ा है, जीरो से बड़ा है, लेस देन टू है, तो ये टू पे तो ब्रेक हो रहा है फंक्शन, साथ में जीरो पे भी ब्रेक होगा। मतलब ध्यान से देखना, मतलब ये जो एफ एक्स फंक्शन है मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लीज पे अटेंशन, वेरी केयरफुली लिसन, जीरो से कम पे, जीरो से कम पे मॉड एक्स को क्या लिखोगे, माइनस एक्स। सो माइनस एक्स प्लस 3 अगर एक्स जीरो से छोटा हुआ, जीरो से अगर बड़ा हुआ और टू से छोटा हुआ तो प्लस एक्स लिखेंगे,
और अगर 2 से बड़ा हुआ तब तो 2x माइनस 1 ही लिखा जाएगा ना। सोचो ध्यान से, लेस देन 2 है, लेस देन 2 मैंने बोला। अब लेस देन 2 अगर बोल रहा हूं तो 2 से छोटे में 0 भी तो आता है, ये फंक्शन 0 पे भी तो टूटेगा क्योंकि मॉड एक्स है, मॉड एक्स कहां ब्रेक होता है, 0 पे ब्रेक होता है। तो 2 से छोटे में 0 तक आया, 0 से बड़ा और 2 से छोटा एक ब्रेकिंग हुई और 0 से छोटे में दूसरी ब्रेकिंग हुई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 2 निकालना है, तो आपको सिर्फ जरूरत इन दोनों की ही पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फंक्शन वाइज ये इसकी प्रॉपर क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी। अब आप एट x इक्वल टू 2 निकालना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो एट x इक्वल टू 2, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से कम में फंक्शन कौन सा है, x प्लस 3। लेट x इक्वल टू 2 माइनस h, इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0, ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h प्लस 3, ये हो गया 5 माइनस h, कट के आया 5। राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकाला एट x इक्वल टू 2, ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, 2 से ज्यादा पे फंक्शन है 2x माइनस 1। लेट x इक्वल टू 2 प्लस h, इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0, ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 1, आंसर ये भी कितना आ गया 5, दोनों बराबर हो गए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स किसके बराबर हुआ, 5 के। क्या ये बात समझ में आती है बेटा, ये तो इजी है, ये बात समझ में आई जो मैंने यहां किया, मैंने बोला मॉड x ब्रेक हो रहा है 2 पे, सॉरी 0 पे, मॉड x ब्रेक हो रहा है 0 पे, 2 से कम में है वो, 2 से कम में 0 भी तो आता है, 4 प्लस, ओ सॉरी सॉरी वो प्लस लगा मेरे को, सॉरी 4 माइनस 1 ये आया 3, ये 0 हुआ, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने बोला 2 से कम में फंक्शन मॉड x चल रहा है तो 0 भी तो आता है, तो यानी वो फंक्शन 0 पे भी ब्रेक हो रहा है, तो मुझे वो दोनों ब्रेकिंग शो करनी पड़ेंगी। अब उस क्वेश्चन पे देखो, अब यहां ध्यान दो, इधर ध्यान देना बेटा, ये फंक्शन कैसे मॉडिफाई होगा आप मुझे बताओ, लेस देन माइनस 4, मॉड एक्स कहां ब्रेक होता है, 0 पे, 0 पे, लेस देन माइनस 4, तो लेस देन 0 भी तो हुआ, ग्रेटर देन 0 का तो कोई केस ही नहीं बनेगा इसमें, तो यानी ये बेसिकली बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 4 एंड एक्स प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस 4। क्या ये समझ में आता है बेटा, खुद सोचना, तो इतनी जल्दी घबराया मत कर, लेस देन माइनस 4 है, 0 से छोटे में मॉड एक्स को क्या लिखता है, माइनस एक्स, तो माइनस 4 0 से छोटा ही तो है, उसे पीछे जब भी जाएगा तो 0 से छोटे पे ही रहेगा, 0 से बड़े पे तो कभी पहुंचेगा नहीं, तो क्योंकि वो 0 से छोटे पे ही रहोगे तो उसको माइनस एक्स लिखेंगे। तो अब नॉर्मली लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट हुई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 4 माइनस, माइनस 4 से कम पे फंक्शन कौन सा है, माइनस एक्स माइनस 1। लेट एक्स इक्वल टू माइनस 4 माइनस एच, इफ एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 4, एच अप्रोचेस टू 0, ये हुआ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की वैल्यू डाली 4 प्लस एच माइनस 1, आंसर आया 3। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 4 प्लस, माइनस 4 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, एक्स प्लस 1। लेट एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस एच, इफ एक्स अप्रोचेस टू माइनस 4, एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, माइनस 4 प्लस एच प्लस 1, एच को 0 डालो, आंसर आया माइनस 3। दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 4 एफ एक्स डज नॉट एक्सिस्ट।
क्या यहाँ तक समझ में आते हैं? क्लियर मॉड को कैसे खोलना है? बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हैं? अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के आइए, कोई दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।